सो ये गाइस व्हाट्सअप आई होप यू गाइस ऑल डूइंग वेल। वेलकम बैक टू फुटेज व्लॉग। तो गाइस आज मेरा दर्दनाक बजा वाला तीसरा दिन है। तो बेसिकली मैं अभी 7 बजे उठा हूँ। तो जैसे देखा जाए तो रात के लोग मुझे 2 बजे लिटरली उठा के मेरा फ़ोन लेके गए। तो उसके टाइम उसके बाद से मुझे नींद ही नहीं आ रहा था। ऑलमोस्ट मैं 3 बजे कुछ सोया था अभी। तो अभी देखते हैं आज का ब्लॉग। वैसे मैंने डॉक्टर से बात किया कि मुझे कब डिस्चार्ज मिलेगा, तो आज बोल रहे कि देखते हैं आज शायद आपको ट्राई करेंगे देने के लिए। बट वैसे तो 7 दिन में ही डिस्चार्ज देते हैं, बट बोल रहे कि ट्राई करेंगे। तो लेट्स सी नाउ कि लोग डिस्चार्ज देते या नहीं देते। लोग कैसे लोग मुझे इंजेक्शन देने आए हैं अभी। मैं गलत फहमी में जी रहा था कि आज 3 इंजेक्शन ही पड़ेगा, पर आज 4 इंजेक्शन मार के गए सुबह सुबह। वाओ। सो यू गाइस फाइनली रिसीव्ड माय ब्रेकफास्ट। आज मैंने उपमा ही मंगाया, देखते हैं उन्होंने क्या डाला है। हाँ उपमा ही दिया, थैंक गॉड। प्लस टेस्टी स्विगी है, मुझे आगा बहुत पसंद है। सो ये देखिए गाइस मेरे मेडिसिन आ गए आफ्टर हैविंग माय ब्रेकफास्ट। विदाउट मेडिसिन लेते और जाते भी नहाने को। गाइस फाइनली गोइंग टू टेक बाथ। शैम्पू और सोप निकाल दिया है। मैं न्यू सोप हमेशा यूज़ कर रहा हूँ, बिकॉज पता नहीं किसका कुछ लग जाए तो उसके ऊपर। तो अभी कोरोना टाइम चल रहा है तो बहुत सारा प्रिकॉशंस लेके चलना पड़ता है। ये देखिए पीछे जो मशीन दिख रही है उससे मेरा जस्ट एक्सरे हुआ है अभी। तो लेट्स गो एंड टेक बाथ नाउ। आफ्टर टेकिंग अ वंडरफुल स्नान अभी जा रहा हूँ। विदाउट मास्क पहन लेते क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अभी लोग बहुत ज़्यादा खांसते हैं, जाके मास्क पहन लेते हैं। खाना आया होगा तो खाना खा लेते। बढ़ते जा रहे केस बहुत बढ़ रहे हैं। मास्क पहन लेते गए फटाफट, एक बार पहन लेते ना यार बहुत ज़्यादा सिक्योर लगता है। इस लेट से हम मिक्स फ्रूट जूस जो हमने इसके अंदर रखा हुआ है, ये नहाने के बाद कुछ चाहिए ही चाहिए। ये नहीं मिलता तो वैसा लगता है कुछ तो छूट गया मेरा इंपॉर्टेंट चीज़। एक ग्लास से तो जमता है नहीं मेरा, तो अब लेंगे दूसरा वाला ग्लास। इट्स एंड गुड न्यूज फॉर मी, मुझे अभी डिस्चार्ज मेरा नर्स आके जस्ट बोले कि तुम्हारा डिस्चार्ज का कंफर्मेशन हो गया, जल्दी अपने पेरेंट्स को बुलाओ और तुम घर चले जाओ। लाइक मुझे इतनी ज़्यादा खुशी हो रही कि आपको बता नहीं सकता। मतलब रोज 6 से 7 8 इंजेक्शन लेना बहुत भारी पड़ रहा है। लेटर इन लोग घर को होम आइसोलेशन करेंगे वो बेस्ट चीज़ है, बट यहाँ पे नॉट पॉसिबल होंगी। दवा खा के मैं क्योर कर लूँगा, पर अभी मैं पूरा पूरी तरीके से ठीक हो चुका हूँ एंड आई एम लिविंग दिस हॉस्पिटल। मतलब पता नहीं, तो मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ बिकॉज आई एम गेटिंग डिस्चार्ज टुडे इटसेल्फ। सो गाइस जितने भी छोटे मोटे पेपर वर्क से वो मुझे साइन करने हैं, मेरे पेरेंट्स को साइन करने हैं कि मुझे डिस्चार्ज मिल चुका है। और फिर जैसे पेपर वर्क कम्प्लीट होता है मैं तुरंत घर पर निकल सकता हूँ। मेरे एटलीस्ट ये तो हटेगा मेरे हाथ से, क्योंकि ये बहुत ही दर्दनाक चीज़ है जो हर एक को सहन नहीं होती है। जैसे मेरा निकलने का टाइम हो गया, पर ये हाथ का ये चीज़ निकालना नहीं थी। इनको पहले बोलते कि हाथ का निकालो, क्योंकि ये निकलते निकलते बहुत ज़्यादा पेन होगा और मुझे थोड़ा रेस्ट करना पड़ेगा। मुझे अब तक ये 4 दिनों में ऑलमोस्ट 35 से 38 इंजेक्शन लगे हैं। ज़्यादा करके मुझे एंटीबायोटिक वाले इंजेक्शन मारे, बाकी जो ताकत वाली चीज़ है वो वाली, और बाकी के मुझे पता नहीं। वो तो डॉक्टर ही जानता है कि कौन से इंजेक्शन उसने डाले मेरे अंदर। बट ठीक है, कोई नहीं, मैं अभी ठीक होके घर जा रहा हूँ, यही सबसे बड़ी चीज़ है मेरे लिए। तो 35 to 38 इंजेक्शन झेलना बॉडी के अंदर 4 दिन में इट्स नॉट इवन पॉसिबल। इतना ज़्यादा पेन होता है, जिसको होता है ये इंजेक्शन लगता है सिर्फ उसी को पता है कितना ज़्यादा पेन है। फाइनली पापा का कॉल आ गया, पापा नीचे आ गए। तो फटाफट अभी मैं निकलता हूँ, इनको बोलता हूँ कि तुरंत निकाल दो मेरा जो भी हाथ पे लगाया है। तुरंत मैं घर पे भाग के थोड़ा रेस्ट करूँगा, खा पी के मस्त वाला। तो फाइनली गाइस ये लोग ने मेरे हाथ का निकाल दिया है। बहुत ज़्यादा पेन होता है, जो हाथ के बाल होते हैं लिटरली उकड़ जाते हैं वो स्टिकर के साथ। सो गाइस इट्स टाइम टू हैव नो पेपर वर्क। फटाफट पेपर पे साइन करते हैं, निकल जाते हैं ऐसे। फटाफट अपना बैग उठाते हैं और निकलते घर के लिए। ये सब रहने दो जो भी है, जस्ट टेक दिस बैग एंड दिस बैग। चलो गाइस निकलते हैं, अभी सामान ले लिया अपना सारा। वेटिंग फॉर द लिफ्ट टू कम। अरे यार बाहर आके इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा है कि क्या ही बताओ। अच्छा लग रहा है किसी जेल वेल से आज़ाद हो गया, सीरियसली यार। जाने तो लिफ्ट को आने के लिए बहुत टाइम है, वैसे मैं फर्स्ट फ्लोर पे ही हूँ तो मैं वॉकिंग जा सकता है। गाइस ये बैग पे पहले तो डिसइंफेक्शन स्प्रे मार लेते हैं, गाड़ी से जाएंगे तो। हाँ जो भी पेपर वर्क है वो पापा साइन कर रहे हैं। लेट्स टेक आवर बैग एंड गो नाउ।
यार 12 कितना ज्यादा अच्छा लग रहा है कि क्या ही बताओ यार। हियर इज आवर कार स्टैंडिंग फॉर मी टू टेक मी होम। वाओ नॉट बैड। फाइनली आई एम बॉडी पे स्प्रे मार लेते हैं। मला मार जरा जास्त का झाला नव्हता मला बाहर का फ्रेश हवा ले लेते गाइस यार। बहुत टाइम बाद बाहर आया हूँ, ऐसा लग रहा है कितना साल हो गया अंदर है कि मैं। फाइनली गोइंग टू होम राइट नाउ गाइस। फाइनली एंटरिंग एट माय हाउस। तुमने बॅगेला स्प्रे मारा, मला स्प्रे मारा, तुम्हाला स्प्रे मारा। फाइनली गाइस अभी मैं मेरे मेडिसिन लेने आया हूँ। लाइक बहुत ज़्यादा मेडिसिन लिख के दिए ऑलमोस्ट 7-8 दिन के। देखते अच्छा वाला कोई शॉप मेडिसिन का और फिर वहीं पे जाके ले लेते हैं। सो गाइस लेट्स हैव दिस शुगर केन जूस। इसको ना पीने का बहुत ज़्यादा मन कर रहा था मेरा।